बॉलीवुड की सुपरस्टार और टाइमलेस ब्यूटी रेखा का आज जन्मदिन है। वे 65 साल की हो चुकी हैं। रेखा हमेशा से ही अपनी पर्सनल और रियल लाइफ को लेकर मीडिया में चर्चा का विषय रही हैं। कहा जाता है कि रेखा की खूबसूरती के पीछे कई राज हैं, जिसमें ढेर सारा पानी पीने से लेकर आयुर्वेद के नुस्खे भी शामिल है। इसीलिए फिट है क्योंकि तली भुनी चीजों से दूरी बनाकर रखती हैं। एक्टिंग की बात करें तो रेखा ने हिंदी सिनेमा में काफी नाम कमाया है। डांस में माहिर होने के साथ एक्टिंग की इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा असल में कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि उन्हें जबरदस्ती एक एक्ट्रेस बनाया गया। बता दें कि रेखा ने 1966 में दक्षिण भारतीय फिल्म रंगूला रत्नम से अपने करियर की शुरुआत की थी। उस फिल्म में वह बाल कलाकार थी। अपने करियर में रेखा ने करीब 175 हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्में की हैं, जिनमें खूबसूरत, खून भरी मांग, खून और पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और उमराव जान जैसी फिल्में बेहद कामयाब रही। वह 3 फिल्म फेयर और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं। रेखा को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।